हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के इस फाइट को लेकर कुछ बड़े बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक गतिविधियां तेज होने वाली है। सीएम के साथ बैठक में ये क्लियर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आर्थिक गतिविधि तेज होगी, कोरोना से लड़ाई पर जोर हमें देना ही होगा। तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है, टीम वर्क का, कंपैशन का, स्टेट्समैनशिप का। कंपैशन यानी वो दया भाव, वो सहानुभूति, इस बात पर एम्फसाइज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम सबको मिलकर काम करना होगा। टीम वर्क पर जोर दिया है, कंपैशन पर जोर दिया है, बढ़िया राजनीति, स्टेट्समैनशिप पर उन्होंने जोर दिया है। लेकिन ये भी कहा है कि अब आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी, यानी अब ये मानकर चलिए कि कई जगह पर ढील दी जाएगी। आज आपको याद होगा मनीष तिवारी भी ये कह चुके हैं कि कंटेनमेंट जो है वो स्पेसिफिक कंटेनमेंट पर हमें जोर देना चाहिए। इशारा प्रधानमंत्री का क्या इसी तरफ है? बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। पंकज, इसके माने क्या है, आर्थिक गतिविधियां तेज होगी, इसका मतलब ये कि ढील और दी जाएगी अब? जी हाँ, ये अब लगभग तय माना जा रहा है। और रूपका, जैसा आप कह रही थी ना, टीम वर्क, प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कही है कि मैं किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले या फैसले पर पहुंचने से पहले उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है भारत सरकार की और राज्य सरकारों की, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। अब हमें आगे इस तरीके से बढ़ना है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको शुरू किया जाए। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत की है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र बहुत जोरदार शब्दों में किया है कि जो ग्रामीण भारत है, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर ये कोरोना वायरस नहीं फैले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। तो यानी कोरोना से भी लड़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी आगे ले जाना है, राज्य सरकारों के साथ सहभागिता करके इस त्रासदी से निकलना है, ये जो कोरोना का खतरा है, ये प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कह दिया। तो ये तय माना जा रहा है कि बहुत तरह की छूट अब मिलने वाली है, जो हम कह रहे हैं 17 तारीख के बाद। एक स्ट्रांग मेरे ख्याल से दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। पहले भी एमएचए की तरफ से इस तरीके की गाइडलाइंस आई है, लेकिन कब तक हम इंतजार कर सकते हैं कि क्लियर हो जाएगा कि 17 तारीख के बाद क्या? मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से ही लगातार आप देख रहे हैं, जैसे ट्रेनें चलने शुरू हो जाएंगी कल से, तो लगातार कुछ कुछ छूट दी जा रही है, कैसे इंडस्ट्रीज में किस किस सेगमेंट में काम शुरू हो जाए उस पर भी काम चल रहा। तो मुझे लगता है 17 तारीख तक ये पूरे संकेत मिल जाएंगे कि उसके बाद भारत की तस्वीर कैसे बदल जाएगी, लॉकडाउन का जो एग्जिट प्लान होगा वो उससे पहले ही हमें शायद मिल जाए, इस बात की गुंजाइश बन रही है। पंकज, फिर ऐसे में एक जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन खत्म हुआ तो वो कायदे से हट जाएगा, वो तो इसी तरीके से घात लगाकर बैठा हुआ होगा। क्या टेस्टिंग को लेकर बाकी तमाम चीजें जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर भी बहुत भयंकर तरीके से मंथन हो रहा होगा? केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि हमें अब अगले कुछ महीनों तक इस कोरोना वायरस के साथ जीना होगा। प्रधानमंत्री ने आज फिर एक बार उस बात को दोहराया है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बार बार हम कह रहे हैं, दो गज दूरी जिन्होंने नारा दिया, उन्होंने कि ये करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए कि जो हॉटस्पॉट वाले एरिया हैं, जिन्हें हम रेड जोन कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलने वाली है, लेकिन जो दूसरे ऑरेंज और ग्रीन जोन हैं उनमें बहुत छूट मिलने वाली है, हिंदुस्तान आगे बढ़े, ये कोशिश होगी। आज की बैठक से यही निकला है। पंकज, कितनी देर और ये बैठक चल सकती है, क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने सीएम से बात की थी तो 4 घंटे वो बैठक चली थी, मैराथन। आज भी मैराथन बैठक ही है रूबिका, आपको बताऊं 5.5 से 6 आधे घंटे का ब्रेक लिया गया है, उससे पहले 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर ली है। ये बैठक अभी लंबी चलेगी, प्रधानमंत्री सबसे बात करना चाह रहे हैं, सबसे फीडबैक लेना चाह रहे हैं, उनके मन की बात जानना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब राज्य सरकारों से बातचीत के बाद एक बड़े फैसले पर पहुंचा जाए। लेकिन मन बन गया है कि आगे क्या करना है, वो है कोरोना से भी लड़ाई लड़नी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी शुरू करना है। लगातार आपको हम बता रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम्स की बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ये समझ लेना चाहते हैं कि लॉकडाउन की इस व्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हमें कंपैशन, टीम वर्क और स्टेट्समैनशिप, इन तीनों को साथ लेकर चलना होगा कोरोना से इस जंग में। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोक सकते हैं,
अगर उसे रोका तो अलग तरीके की महामारी जो है वो सामने आ जाएगी, और इसीलिए कड़ा फैसला लेना जरूरी है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये निर्देश तो नहीं दिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा जरूर कर दिया है। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप कह रहे हैं ये लंबी बैठक चलने वाली है, लेकिन गांव और शहर ये दो अलग इलाके हैं। गांव की तरफ मजदूर पलायन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां होनी चाहिए, लेकिन मजदूरों के बगैर वो आर्थिक गतिविधियां हो नहीं सकती है। कुल मिलाकर वापस आना जाना ये हिंदुस्तान देख सकता है मजदूरों का, जो पलायन कर चुके हैं दोबारा लौट कर आए वहां जहां काम करते हैं, ऐसा होगा। आप देखिए, हरियाणा में भी 1,00,000 मजदूरों ने अप्लाई किया है ऑनलाइन कि हम वापस आना चाहते हैं, चूंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ खुल रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की ओर इशारा किया है, पहली बात, कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पर ये कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। और चिंता करने वाली बात है, बिहार में ऐसे मसले आ गए हैं, करीब 60-65 ऐसे केसेज आ गए हैं जो बाहर से मजदूर गए बिहार और संक्रमण फैल गया। इसीलिए इस बात पर खासा जोर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चालू रखना है, लेकिन ग्रामीण भारत को कोरोना से अछूता रखना है। राज्य सरकारों की जमकर तारीफ की कि सबने सहयोग दिया, इसीलिए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि दुनिया हमारी तारीफ कर रही है कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब ये कह सकते हैं इस वक्त पंकज मन बना चुके हैं कि देश को कोरोना के साथ आगे कैसे बढ़ना है। हम पहले भी कह रहे थे कि फेज वाइज जो है छूट मिलना शुरू हो जाएगी, अलग अलग जोन में देश को बांट लिया जाएगा, लेकिन अब वो विचित्र स्थिति आ गई है जहां पर दोनों को साथ लेकर चलना होगा, जान को भी और जहान को भी। जी हाँ, ये बात वो पहले से ही कह रहे हैं। और देखिए रूपका, पिछली बार ही 3 अलग अलग जोन बांट करके 3 अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग छूट का ऐलान कर दिया गया था। अब उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि रेड जोन में क्या और छूट दी जा सकती है, ग्रीन तो पूरा खुला रहेगा, और ऑरेंज जोन में भी हम कितनी छूट दे सकते हैं ताकि भारत धीरे धीरे आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, इस पर ज्यादा जोर रहा है प्रधानमंत्री का। इस बैठक में भी अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने यही बात की, वो लॉकडाउन से निकलना चाहते हैं धीरे धीरे ही भले सही। पंकज, आर्थिक पैकेज की तो मांग हो ही रही होगी, पहले भी आपने देखा राजस्थान के सीएम ने इसको पुरजोर तरीके से उठाया, और सिर्फ राजस्थान के सीएम ने, जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वो बार बार एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें आर्थिक पैकेज चाहिए, इसके बगैर तो हम काम नहीं कर पाएंगे। आज भी कई मुख्यमंत्रियों ने ये बात उठाई है, वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हों, फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात उठाई है कि उन्हें इस वक्त जब संकट में है और उन्हें आर्थिक पैकेज चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू की राज्य सरकारों के पास कुछ रहा नहीं है। इस बारे में अभी तक कुछ खास हमारे पास ठोस जानकारी नहीं आई है, लेकिन इस पर काम हो रहा है। आज भी वित्त मंत्री ने प्राइवेट बैंक वालों से बातचीत की है, तो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उन सेक्टर के लिए जहां बहुत जरूरत है आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है। नीरज, नजर इस पर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी खबर और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात साफ कर दी है, और क्या कहा है, आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, यानी बहुत ढील मिलने की तरफ जो है अब हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन मत भूलिए, अब एक एक शख्स कोरोना वॉरियर है, आपको लड़ना है कोरोना से।